सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा नई वैकेंसीज की। बहुत सारी वैकेंसीज मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। जो जो वैकेंसीज मेरे पास आती हैं मैं सिस्टमेटिकली आपको शेयर करता रहता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, इन वैकेंसीज के लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, ताकि मेरे सभी भाई बहन दोस्त इस देश में बेरोजगार ना हो, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। और जो वैकेंसीज मैं आपको अपडेट करता हूं, इन वैकेंसीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट करता रहता हूं। टेलीग्राम में आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा होता है। जब आप उस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी वैकेंसीज भी दिखती हैं, उनकी ईमेल आईडीज के साथ दिखती हैं। आप उन ईमेल आईडीज पर अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपना अच्छा सा कवर लेटर उठा करके उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक और चीज के लिए मैं आपको जरूर चौकन्ना करूंगा कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी इस तरह का कंसल्टेंट मिल रहा है कि मैं आपसे एडवांस पैसे लूंगा और आपको जॉब लगवा दूंगा, तो प्लीज थोड़ा सा चुकन्ना, सावधानी, ताकि आपका पैसा खराब ना हो। आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, आप वो मत करें जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप इतना इतना पैसा एडवांस में देकर के आ जाते हैं, उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है। और अगर लगती भी है तो ऐसी जो आप करना ही नहीं चाहते। बनना क्या चाहते हैं, बना क्या दिए जाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी। तो चलिए जी, ज्यादा लंबा ना खींचता हुआ आज की वैकेंसी स्टार्ट करते हैं। तो आज की वैकेंसीज रहेंगी चौपाल, हिमाचल प्रदेश की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त चौपाल में रहते हैं, आज वहां पर जाकर के जॉब करना चाहते हैं, सबके लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। हमें एक ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, प्लस टू कम से कम कर रखी हो, मेल फीमेल कैंडिडेट कोई भी होना चाहिए। आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके टाइमिंग्स की, 9 to 6 की आपकी टाइमिंग्स रहेंगी। सैलरी आपको यहाँ पर 8,000 पर मंथ प्लस पर मंथ मिल सकती है। उसके बाद हमें एक ऑफिस में एक कंटेंट डेवलपर चाहिए, और कंटेंट डेवलपर के साथ साथ आपके इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। वर्क फ्रॉम होम आपका रहेगा। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 9 to 6 की आपकी टाइमिंग्स रहेंगी। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 10,000 पर मंथ प्लस आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है। उसके बाद हमें एक ऑफिस में कंटेंट राइटर चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में कंटेंट राइटिंग आपको अच्छे से आती होनी चाहिए। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग्स यहां पर आपकी वर्क फ्रॉम होम रह सकती है, आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं है। सैलरी आपको 10,000 पर मंथ प्लस मिल सकती है। उसके बाद हमें एक स्कूल में हिंदी टीचर चाहिए। आपने बीएड इन हिंदी कर रखी हो, टाइमिंग्स आपकी 9 to 4 की रहेंगी। सैलरी आपको यहां पर 12,000 पर मंथ प्लस मिल सकती है। उसके बाद हमें एक ऑफिस में एक रिपोर्टर चाहिए। ग्रेजुएशन कम से कम आपने कर रखी हो, टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल रहेंगी, सैलरी आपको 25,000 पर मंथ प्लस मिल सकती है। उसके बाद हमें एक कंपनी में साइट सुपरवाइजर चाहिए। आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखी हो, टाइमिंग्स यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल रहेंगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपको यहाँ पर 30,000 प्लस पर मंथ मिल सकती है। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी को रोजगार मिल सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।